वेलकम बैक टू द वाईफाई ज्ञान। जी हाँ, आई दोस्तों बात करते हैं आज 21 मई 2020 दिन बृहस्पतिवार की सुबह सुबह की ताजा और बड़ी खबरें आपके निकल कर आ चुकी है। और दोस्तों आज के हमारे बड़े ऐलान में हमारी केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 के तहत कई ऐसे नए नियम और बड़े फैसलों को जारी किए हैं, जिसके तहत दोस्तों अगर आप भी भारत में रहते हैं ना, तो यह खबर आपके लिए जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों इसी के साथ साथ हमारी केंद्र सरकार ने भारत में कुछ ऐसे यहाँ पर बड़े फैसले और यहाँ पर नए नियम को जारी किए हैं, जिसके तहत दोस्तों आपके इस राज्य के इस गाँव में 24 घंटे बिजली देने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने ऐलान जारी कर दिया है। और दोस्तों इसी के साथ साथ हमारी केंद्र सरकार ने राशन कार्ड और आधार कार्ड को लेकर बहुत यहाँ पर बड़े फैसले को जारी किए हैं, जिसके तहत दोस्तों आप अपने घर पर ही राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर पाएंगे। ऐसा कुछ हमारी केंद्र सरकार ने पूरे भारत के नागरिकों के लिए ऐलान जारी कर दिए हैं। और दोस्तों साथ ही साथ हमारे बिहार बोर्ड के रिजल्ट के रिगार्डिंग हमारे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सभी यहाँ पर बिहार के स्टूडेंट के लिए बहुत यहाँ पर बड़ी खबर को जारी किए हैं। तो आइए आज इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के साथ जानेंगे देश दुनिया की तमाम 15 बड़ी खबरों को हमारी केंद्र सरकार ने आज 21 मई 2020 दिन बृहस्पतिवार के दिन को हमारी केंद्र सरकार ने सभी यहाँ पर बड़ी खबरों को जारी कर दिए हैं। तो आइए आज एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों पे नजर डालेंगे। बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखेगा। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी ननिस रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। चलिए मैं सोल्जर सिंह बिना आपका समय गवाए ले चलता हूँ आपको आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कि लॉकडाउन 4.0 नोएडा में नई गाइडलाइन जारी, बाजार में सभी दुकान खुलेंगी और ऑटो भी चलेंगे, जाने क्या खुला और क्या रहेगा बंद। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बात कुछ यूं है ना कि हमारे यूपी राज्य के नोएडा शहर में आपके जितने भी यहाँ पर लॉकडाउन का प्रबंध रखा गया है, हमारे नोएडा शहर में आपकी ये सभी चीजें खुली रहेंगी और आपकी ये सभी चीजें बंद रहेंगी। तो आखिरकार इस पर हमारे यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने कौन से यहाँ पर बड़े फैसलों को जारी किए हैं? तो जैसा दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कि हमारे लॉकडाउन 4 के लिए जिला गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। और दोस्तों नई गाइडलाइन के तहत मार्केट में 50% दुकानों को एक दिन में खोलने के लिए हमारे यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने ऐलान जारी किए हैं। और बाकी के आपके 50% दुकानों को खोलने के लिए हमारे यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने उसके अगले दिन यानी कि उसके नेक्स्ट दिन खोलने के लिए ऐलान जारी किए हैं। यानी कि दोस्तों आपको बता दें कि हमारे यूपी राज्य के नोएडा शहर में सभी दुकानों को खोलने के लिए हमारे यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने ऐलान जारी कर दिए हैं। और दोस्तों लगभग आपके नोएडा शहर में आपके 50% से ज्यादा दुकानें यहाँ पर खोलने के लिए हमारे यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने ऐलान जारी किए हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे में आप जान लीजिए कि अगर आप भी यूपी के नोएडा शहर से आते हैं तो हमारे यूपी के नोएडा शहर में जितने भी आपके बड़े बड़े मॉल रेस्टोरेंट वगैरह वगैरह हो गए और आपके जितनी भी यहाँ पर नाई की दुकान मिठाई की दुकान हो गई, उन सभी को खोलने के लिए हमारे यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने पूरी मात्रा में ऐलान जारी कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में इतना जरूर बता दीजिएगा कि आप किस राज्य से आते हैं। अगर दोस्तों आप यूपी के नोएडा शहर से आते हैं ना, तो इतनी बात मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता दीजिएगा। और इसी के साथ एक और यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कपड़े चश्मे और जूता चप्पल की दुकान खुलेंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों हमारे पूरे भारत में आपके जितने भी यहाँ पर कपड़े चश्मे और जूता की चप्पल की दुकानें हैं, उन सभी को खोलने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने ऐलान जारी कर दिए हैं। तो आखिरकार इसका पूरा मामला क्या है? तो जैसा दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, अब कपड़े चश्मे और जूता चप्पल की दुकानों को खोलने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है। हालांकि हफ्ते में 2 दिन ही दुकानें खुलेंगी, लेकिन दोस्तों आपकी ये दुकानें भी खुलेंगी। यानी कि दोस्तों आपको बता दें कि हमारे यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने आपके यूपी में जितने भी आपके चप्पल की दुकानें हो गई, आपके चश्मा की दुकानें हो गई, इन सभी को खोलने के लिए हमारे यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने ऐलान जारी कर दिए हैं। और दोस्तों आपके यूपी में ही नहीं बल्कि आपके राजस्थान में और आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में भी आपके सभी यहाँ पर चप्पल की दुकानें और आपके जितनी भी चश्मा की दुकानें और आपके जितनी भी कपड़े की दुकानें हैं, उन सभी को खोलने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने पूरे यहाँ पर 3 राज्यों के लिए ऐलान जारी कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे में अगर आप भी राजस्थान से आते हैं, हिमाचल प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो ऐसे में आप जान लीजिए कि हमारे इन 3 राज्यों में हमारी केंद्र सरकार ने जितने भी आपके चप्पल की दुकान है, चश्मा की दुकान है और आपके जितनी भी यहाँ पर कपड़े की दुकान है, इन सभी को खोलने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने पूरी पूरी मात्रा में ऐलान जारी कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे में आप किस राज्य से आते हैं? अगर दोस्तों आप इन 3 राज्यों के अलावा किसी भी दूसरे राज्य से आते हैं ना, तो अपने राज्य की जानकारी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता दीजिएगा, ताकि आपके राज्य के जैसे यहाँ पर कोई लॉकडाउन से संबंधित खबर आए तो मैं आपको वीडियो के तौर पर प्रोवाइड करा सकूं। और फिलहाल दोस्तों अगर आप हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और यूपी से आते हैं, तो ऐसे में आप जान लीजिए कि इन 3 राज्यों में हमारे जितने भी यहाँ पर चश्मा और यहाँ पर आपके कपड़े की दुकान हो गई, उन सभी को खोलने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने पूरी पूरी मात्रा में ऐलान जारी कर दिए हैं। चलिए अब बात करते हैं अगला अपडेट्स की। घर बैठे मिनटों में आधार से लिंक करें राशन कार्ड, जानिए क्या है पूरा प्रोसेस। जी हाँ, दरअसल दोस्तों हमारे पूरे भारत में आपके राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए नया नियम लागू हो चुका है। और दोस्तों इसको लेकर हमारी केंद्र सरकार ने सभी भारत के लोगों को यह ऐलान जारी कर दिए कि आपके पास भी राशन कार्ड है, कि अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो उसे जल्दी जल्दी आधार से लिंक करवा लीजिए, नहीं तो आगे आपको बहुत सारे यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स ऐसे में आप घर बैठे कैसे अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करेंगे, इसको लेकर हमारी केंद्र सरकार ने कौन से यहाँ पर नए नियम को जारी किए हैं और राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का पूरा प्रोसेस क्या है? तो जैसा दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की तारीख 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। लेकिन दोस्तों अगर आपने 30 सितंबर 2020 तक अगर आपने अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाएंगे, तो आपका जो राशन कार्ड है वो पूरी तरह से रद्द हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आपको एक शॉर्ट तरीके से और सिंपल तरीके से बता दी जाए कि हमारे
पूरे भारत में जितने भी राशन कार्ड है ना उन सभी को लिंक कराने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने 30 सितंबर 2020 तक समय दिया है। तो फ्रेंड्स ऐसे में अगर आपके पास राशन कार्ड है तो उसे जल्दी से जल्दी लिंक करवा लीजिए आधार कार्ड से, नहीं तो आपका राशन कार्ड 30 सितंबर 2020 के बाद बेकार हो जाएगा। तो आखिरकार कैसे आपको अपना राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करवाना है, तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे आधार से राशन कार्ड लिंक कराने का पूरा प्रोसेस। और दोस्तों यहां पर पहला स्टेप आपके सामने दिया हुआ है। सबसे पहले आधार जारी करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूडीआई की अधिकारी वेबसाइट udi.gov.in पर जाना होगा। और दोस्तों जैसे ही आप इस अधिकारी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको स्टेप टू में क्या करना होगा, सबसे पहले आपको स्टार्ट नाउ के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। और दोस्तों जैसे ही आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जो यहाँ पर तीसरा स्टेप है इसमें आपको क्या करना है, तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे अपनी एड्रेस डिटेल्स और जिला राज्य को भरना होगा। यानी दोस्तों आपको तीसरा स्टेप में आपको अपना एड्रेस और आपको अपना राज्य और आपको अपना जिला भरना होगा। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप तीसरा स्टेप भर लेंगे उसके बाद दोस्तों चौथा जो स्टेप आपको भरना है उसमें दोस्तों आपके जितने भी यहाँ पर राशन कार्ड की डिटेल्स है वो सारे के सारी आपको राशन कार्ड की डिटेल्स आपको चौथे स्टेप में भरनी होगी। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप चौथा स्टेप भर के सबमिट करेंगे तो आपके सामने पांचवा जो स्टेप खुलेगा उसमें दोस्तों आपको राशन कार्ड स्क्रीन चुनना होगा। उसके बाद दोस्तों जैसे ही पांचवे स्टेप में राशन कार्ड की स्क्रीन को चुन लेंगे उसके बाद दोस्तों छठवे स्टेप में अपना राशन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर आपको डालना होगा। और दोस्तों जैसे ही आप छठवा स्टेप में अपना राशन कार्ड नंबर और आधार नंबर डालेंगे तो आपके आधार नंबर पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर रहेगा उस पर एक ओटीपी आएगा। और दोस्तों उस ओटीपी के जरिए आप अपना राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारी केंद्र सरकार ने सभी यहाँ पर राशन कार्ड के यूजर्स के लिए बहुत यहाँ पर नई योजना को निकाली है जिसके तहत दोस्तों आप घर बैठे बैठे अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर पाएंगे बिना किसी भी कंप्यूटर की दुकान पर जाए। तो ये कुछ हमारी केंद्र सरकार ने पूरे भारत के नागरिकों के लिए ऐलान जारी कर दिए। तो फ्रेंड्स ऐसे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में इतना जरूर बता दीजिएगा कि आपका राशन कार्ड अभी तक आधार कार्ड से लिंक हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर दोस्तों लिंक हुआ है या नहीं हुआ है तब भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में इतना बात जरूर बता दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं अगला अपडेट्स की। बिहार बोर्ड 10th रिजल्ट 2020 बिहार बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट जल्द यहाँ पर घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों आपको बता दें कि हमारे बिहार बोर्ड की तरफ से बहुत यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आई है जिसके तहत दोस्तों यहाँ पर जितने भी यहाँ पर बिहार के छात्र है ना उन सभी का रिजल्ट जल्द यहाँ पर घोषित करने के लिए हमारे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान जारी कर दिए हैं। तो आखिरकार आपके बिहार बोर्ड का रिजल्ट किस डेट को कंफर्मली जारी होने वाला है, तो इसको लेकर हमारे बिहार के सीएम ने क्या यहाँ पर ऐलान जारी किए हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कि हमारे बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड बिहार बोर्ड मैट्रिक के नतीजे किसी भी दिन जारी हो सकता है। और दोस्तों इसके लिए हमारे बिहार बोर्ड रिजल्ट के कार्य में लगा हुआ है। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारे बिहार बोर्ड का रिजल्ट 25 मई और यहाँ पर 30 मई के बीच कभी भी जारी हो सकता है। और इसको लेकर हमारे बिहार बोर्ड के कर्मी यानी कि जितने भी आपके बिहार बोर्ड के कर्मचारी है ना वो सारे के सारे यहाँ पर रिजल्ट घोषित करने में लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि आखिरकार आपका बिहार बोर्ड का रिजल्ट किस डेट को कंफर्मली जारी होने वाला है, इसको लेकर हमारी केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी खबर आएगी ना तो मैं अपने वाईफाई ज्ञान चैनल पर जरूर आपको जाहिर कर दूंगा। लेकिन दोस्तों हाँ मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि आपके यूपी बोर्ड और आपके बिहार बोर्ड का रिजल्ट 25 और 30 मई के बीच कभी भी घोषित हो सकता है। और दोस्तों इसको लेकर हमारे बिहार के सीएम नीतीश कुमार और हमारे यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने ऐलान जारी कर दिए हैं। चलिए अब बात करते हैं अगला अपडेट्स की। आरबीआई 3 महीने के लिए बढ़ा सकता है मोराटोरियल पीरियड, 31 अगस्त तक नहीं देनी होगी कोई भी लोन किस्त। जी हाँ दरअसल दोस्तों बात कुछ यूं है ना कि अगर आपने भी किसी भी सरकारी बड़े बैंक से लोन लिया है ना तो आपको 31 अगस्त 2020 तक कोई भी यहाँ पर लोन की किस्त नहीं देनी होगी। और इसको लेकर हमारी केंद्र सरकार ने कौन से यहाँ पर बड़े फैसले को जारी किए, तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाए जाने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक लोन की अदायगी पर जारी मोहलत को और 3 महीने तक बढ़ा सकता है। और दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई की एक रिसर्च रिपोर्ट में यह बात साफ कर दी गई है कि आपके जितने भी यहाँ पर सरकारी बड़े बड़े बैंक है ना जैसे कि यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, अगर दोस्तों आपका इन सभी सरकारी बड़े बैंकों में खाता है और दोस्तों अगर आपने इन बैंकों से लोन लिए हैं तो आप पिछले 3 महीने तक लोन नहीं भर सकते हैं। ऐसा कुछ हमारी केंद्र सरकार ने पूरे देश के नागरिकों के लिए ऐलान जारी कर दिए हैं। यानी कि दोस्तों आपको बता दें कि हमारी केंद्र सरकार ने पूरे भारत में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। लेकिन इसके साथ ही हमारी केंद्र सरकार ने जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े सरकारी बैंकों से जो जो यहाँ पर लोन लिए है ना उनके लिए बहुत यहाँ पर अच्छी राहत दी है कि आपके जितनी भी यहाँ पर लोन की किस्त होती है उन सभी किस्तों को भरने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने 31 अगस्त 2020 तक समय दे दिया है। तो फ्रेंड्स ऐसे में अगर आप भी कोई भी यहाँ पर लोन लिया है ना तो आपके लिए फाइनली बहुत ही बड़ी यहाँ पर खुशखबरी निकल कर आ रही है कि आपके जितनी भी यहाँ पर लोन की किस्त होती है उसको भरने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने 31 अगस्त 2020 तक समय दे दिया है। तो फ्रेंड्स ऐसे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में इतना जरूर बता दीजिएगा कि आपका किस सरकारी बड़े बैंक में खाता है। अगर दोस्तों आपका किसी भी सरकारी बड़े बैंक में खाता है ना तो अपने बैंक का नाम हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता दीजिएगा। तो फ्रेंड्स यही कुछ जानकारी थी, यही कुछ लेटेस्ट अपडेट थी जो कि आज 21 मई 2020 दिन बृहस्पतिवार के दिन से यही कुछ हमारी केंद्र सरकार ने और सभी राज्यों की सरकार ने यही कुछ यहाँ पर बड़ी बड़ी खबरों को जारी किया था जिसके लिए हर एक भारतीय बंदे को यह खबर जानना सुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो अगर दोस्तों आप भारत के किसी भी कोने में रहते हैं तो इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर दिए कि यह जानकारी आपके साथ साथ आपके सभी दोस्तों मित्रों को यह जानकारी प्राप्त हो सके और इस तमाम जानकारियों से अपडेट हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, शेयर करें। अगर दोस्तों चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रोजाना ताजा ताजा खबरों से अपडेट आने के लिए हमारे वाईफाई ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि आने वाले सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।
तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और वीडियो में, एक और अपडेट में, तब तक लिए जय हिंद।